इन जनाब ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत ही एक्सपोजिंग बीजेपी आईटी सेल से की है। जब बीजेपी ने पीएम मोदी को इलेक्शन कैंपेनर बनाया था, तब कांग्रेस के इशारों पर सीबीआई ने तेजी से बीजेपी के मिनिस्टर्स की इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था। फिर क्यों इसका सारा ब्लेम उन्होंने मोदी सरकार के सिर पर डाल दिया? उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना ने उस कंपनी से चंदा लिया जो भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है। वो ये बोलने से भी पीछे नहीं रहे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिया को हाईजैक कर लिया, उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी के रूल में अगर चीजें इतनी ही गलत थी तो उन्होंने पहले भारत आकर लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 दिल्ली लिकर स्कैम केस में अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद ध्रुव राठी सीधा जर्मनी से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले आते हैं। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? इतने महीनों से जो ध्रुव राठी इंडियन पॉलिटिक्स पर एकदम साइलेंट थे, अचानक वो लोकसभा इलेक्शन से पहले इतने वायलेंट हो गए कि पीएम मोदी में उन्हें नॉर्थ कोरिया से भी बड़ा डिक्टेटर नजर आ रहा है। मिशन 100 करोड़ वोटर कैंपेन को चलाने से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बीजेपी को घेरने तक उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, ये अब साफ दिखने लगा है। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। और ये इसे भी देशभक्ति बता रहे हैं, मगर क्या सच में ये उनका देश प्रेम है? अगर हाँ तो क्यों केवल एक ही पार्टी की तरफ इनका अग्रेशन दिखाई देता है? आखिर इनका रियल प्रोपेगेंडा क्या है और क्या बाकी पार्टीज इतनी दूध की धुली हुई हैं कि ध्रुव राठी के पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है? चलिए बताते हैं। ध्रुव राठी, हरियाणा के रोहतक की मिट्टी से जुड़ा ये नाम आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इंडिया में जितनी चर्चा लोकसभा इलेक्शन 2024 की है, उतनी ही बातें इस नाम, इस चेहरे और इसके कंटेंट की हो रही है। माहौल तो कुछ यूं बना हुआ है कि मानो ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस ध्रुव राठी है। और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, 29 साल के इस बंदे ने अपने कमाल की एनालिसिस और रिसर्च पावर के साथ इंफॉर्मेशन को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। जो काम न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स का होना चाहिए वो ये यूट्यूबर कर रहा है, एंड नो डाउट उन्होंने इस फील्ड में कई दिग्गज जर्नलिस्ट को भी पछाड़ा है। लेकिन इसमें उनका एक हिडन एजेंडा तब दिखाई देता है जब महीनों तक साइलेंट रहने के बाद इलेक्शन से ठीक पहले वो अचानक बीजेपी हेटर बन जाते हैं। आप खुद उनके YouTube पेज पर चले जाइए और उनकी पहली पॉलिटिकल वीडियो से चैनल को एनालाइज करें। आप पाएंगे कि इन जनाब ने अपने YouTube करियर की शुरुआत ही एक्सपोजिंग बीजेपी आईटी सेल से की है। फिर 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाते थे, एंड नाउ कट टू 2024। तो आज ये न केवल खुलेआम पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं बल्कि ओपनली उन्हें डिक्टेटर भी कहते हैं। रीसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से लेकर रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी तक उनका अपलोडेड कंटेंट स्पेसिफिकली केवल मोदी गवर्नमेंट को ही टारगेट करता है। मगर ऐसा क्यों? खुद को अगर वो एजुकेशनल वीडियो कंटेंट क्रिएटर मानते हैं तो उनका स्टैंस न्यूट्रल होने के बजाय इतना वन साइडेड क्यों है? अगर वो दावा करते हैं कि वो केवल सरकार से सवाल कर रहे हैं तो ऐसे सवाल वो राज्य सरकार से क्यों नहीं पूछते जहां दूसरी पार्टीज पावर में है? यहाँ पर हमारा इशारा संदेश खली में उठी वायलेंस की तरफ है। आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में दो इंसिडेंट हुए थे, पहला संदेश खली की महिलाओं का मास प्रोटेस्ट और दूसरा किसानों का एमएसपी को लेकर दिल्ली मार्च प्रोटेस्ट। तब ये दोनों ही मुद्दे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत गर्म थे, मगर ध्रुव राठी को तो केवल पंजाब के किसानों की एमएसपी की आवाज सुनाई दी थी। इसको लेकर उन्होंने सेंटर को खूब खरी खोटी भी सुनाई, जबकि संदेश खली की महिलाओं की डिमांड्स और उनके सीरियस इशू पर ना तो उनका कोई कंटेंट आया और ना ही इसे लेकर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कोई शब्द कहा। हाँ, लेकिन जैसे ही इस केस में बीजेपी का नाम आया तो संदेश खली इशू को फेक प्रोपेगेंडा कहने में जरा भी देर नहीं लगाई। इससे तो साफ दिखता है कि बीजेपी का क्रिटिसिज्म हो और वहां ध्रुव राठी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका तो कॉन्टेंट गेम ही अब मोदी का ही रह गया।
क्या आपको खुद को ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अच्छे व्यूज पाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ एक पेड कैंपेन चलाते हैं और अक्सर ऑपोजिशन की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पर्पसली फैक्ट्स को होल्ड करके एक स्मार्ट नैरेटिव सेट करते हैं और उनकी ऑडियंस भी इनकी बातों में आ जाती है। अब जरा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेयर हुई इस वीडियो को देखिए। देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। इसमें वो फैक्ट्स बता रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट में इंडिया का कर्ज 3 गुना से बढ़ गया। नो डाउट ये 100% सही है, लेकिन ये फैक्ट तो उन्होंने बताया ही नहीं कि इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 3 गुना से बढ़ा है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर उस खर्चे को कहा जाता है जो कि सरकार मशीनरी, इक्विपमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर करती है। और अगर ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर लगाया जाता है तो लॉन्गर रन में इंडिया को इससे हायर रिटर्न्स भी मिलता है। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसमें आप 10 लाख की एक मशीन कर्जे पर लेकर रखते हैं। अब जाहिर है कि इंटरेस्ट के साथ आप ये कर्जा आने वाले सालों में चुकाएंगे, लेकिन इतने ही सालों में इस मशीन से होने वाला प्रोडक्शन भी तो आपको 2 गुना मुनाफा देगा। इससे आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा। ऐसे में ये एक कर्ज ना होकर आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिया के डेट केस में भी रोड्स, एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी पर लगाया जा रहा जो पैसा फ्यूचर में देश को हाई रिटर्न्स दे सकता है। कुल मिलाकर ध्रुव राठी ने फैक्ट्स तो बताए बट सिचुएशन एक्सप्लेन करना ही भूल गए। ऐसे में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फैलाया हुआ झूठ नहीं कहेंगे, आप खुद कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। अब ध्रुव राठी के एक और झूठ की बात करते हैं जो उन्होंने इस रील में प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है, देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 2020 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ वो गौ माता को लेकर साइंटिफिक फैक्ट बता रहे थे और बड़े ही स्मार्टली उन्होंने इस बात को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से कनेक्ट कर दिया। रील में उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना ने उस कंपनी से चंदा लिया जो भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है। यहाँ जनाब ने ये नहीं बताया कि जिस कंपनी की वो बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बफेलो मीट का बिजनेस करती है, काउ मीट से उनका कोई रिलेशन है ही नहीं। इसके ऑपोजिट ध्रुव राठी तो गाय की पिक्चर इस तरह से दिखा रहे थे जैसे कि बीजेपी एक गाय की मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से डोनेशन ले रही है और उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें सिर्फ अपने व्यूज से फर्क पड़ता है और उनकी देशभक्ति तो केवल एक गढ़ी हुई कहानी है। असल में वो किसी ना किसी ऑपोजिशन पार्टी के लिए जरूर काम करते हैं, तभी तो उनका पॉलिटिकल ओपिनियन केवल उन्हीं मुद्दों पर बाहर आता है जहां बीजेपी एक बैड लाइट में दिखाई देती है। इसका प्राइम एग्जांपल जानते हैं क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। इस टॉपिक को ध्रुव राठी ने चंदा धंधा मॉडल का नाम देकर बखूबी कवर किया। चलो ये बात भी उन्होंने मानी कि सभी पार्टीज ने डोनेशन लिया, लेकिन फिर क्यों इसका सारा ब्लेम उन्होंने मोदी सरकार के सिर पर डाल दिया? अब इसके पीछे ध्रुव राठी लॉजिक देते हैं कि भैया बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला तो जाहिर है ब्लेम उन्हीं पर आएगा। लेकिन ये भी तो सच है कि 303 लोकसभा सीट के साथ सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी के हैं, सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है और जिसके पास पावर रहती है सबसे ज्यादा डोनेशन उसी पार्टी को मिलता है। रही बात ध्रुव राठी के इसे हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम कहने की, तो इन जनाब को कोई गूगल करके दिखा दो भाई। अभी 10 में से 7 स्कैम ऐसे निकल कर आएंगे जो कांग्रेस से रिलेटेड होंगे। कुल मिलाकर चंदे के नाम पर पैसा हर पार्टी खाती, कोई ज्यादा तो कोई कम। इतिहास भी उठाकर देख लोगे तो पाओगे कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाली बीजेपी और कांग्रेस ने भी इलेक्शन फंडिंग के लिए हाथ में हाथ डालकर कई बिल अमेंड किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी दोनों पार्टीज ने इलीगल फंडिंग को लीगल करने के लिए 7 में बिल पास किया है। मगर ध्रुव राठी इस बात का कोई जिक्र तक नहीं करते। उन्हें तो चंदा धंधा मॉडल में पैसे खाती हुई एक ही पार्टी दिखती है और वो है बीजेपी। अब जितना एक तरफा ओपिनियन उनका इस पार्टी को लेकर है, उतना ही एक तरफा ओपिनियन उनका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर भी है। आप खुद उनका कंटेंट उठा के देख लो,
साफ झलकता है कि कैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है तो वो उसकी वाहवाही करते हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि भैया इतना दुगनापन क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल तभी सही हो सकती है जब वो ध्रुव राठी के पॉलिटिकल ओपिनियन के हिसाब से अपना फैसला सुनाए? ऐसा ही रवैया उनका सीबीआई और ईडी जैसी नेशनल एजेंसीज को लेकर भी है। जी हाँ, वो उन पर भी सवाल उठाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेशनल एजेंसीज का मिसयूज अपने फायदे के लिए करती है और इनकी मदद से ओपोजिशन पार्टी को भी फंसाती है। मगर ये जनाब ये भूल गए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जो भी पार्टी पावर में होती है वो अपने हिसाब से नेशनल एजेंसीज और मीडिया को इस्तेमाल अपने प्रॉफिट के लिए करती है, क्योंकि उनकी डोर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटर के हाथ में होती है। आप कांग्रेस का ही टाइम ले लीजिए, 2004 से 2014 के दौरान जब ये पार्टी पावर में थी तो इसने अपने सबसे पावरफुल अलाइन डीएमके के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था। दरअसल हुआ ये था कि कुछ डिफरेंसेस के चलते डीएमके ने कांग्रेस से अपने सपोर्ट को विथड्रॉ कर लिया और इसके दो दिन बाद ही कांग्रेस ने डीएमके के चीफ के बेटे एमके स्टालिन के घर में सीबीआई की रेड डाल दी थी। इसी तरह साल 2013 में भी जब बीजेपी ने पीएम मोदी को इलेक्शन कैंपेनर बनाया था तब कांग्रेस के इशारों पर सीबीआई ने तेजी से बीजेपी के मिनिस्टर्स की इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था। तो पॉइंट ये है कि जिसकी सत्ता रहती है वो अपने फायदे के लिए लॉज को मोल्ड करती है। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है और चाहे कोई भी पार्टी करे ये लॉफुली अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन केवल बीजेपी के सिर सीबीआई और ईडी के मिसयूज का दोष मढ़ना भी तो गलत है। और सिर्फ इसी बिना पर ये नहीं कहा जा सकता कि देश एक डिक्टेटरशिप में है, क्योंकि अगर सच में ऐसा हो तो ध्रुव राठी कैसे खुलेआम बीजेपी के खिलाफ मिशन 100 करोड़ कैंपेन चला रहे हैं? हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। वेस्ट बंगाल और रिमोट एरियाज में उनकी वीडियोस ऐसे मास लेवल पर भी कैसे दिखाई जा रही है? इस हिसाब से तो उनकी वीडियोस भारत में बैन हो जानी चाहिए, और वीडियोस ही क्यों, वो खुद भी इंडिया में बैन हो जानी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट इंडिया में आज भी डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस हो रहे हैं, आप अपने नेता खुद चुन सकते हैं और यहां तक कि अपने खिलाफ हो रहे किसी भी इनजस्टिसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अरे खुद भी तो ध्रुव राठी भी जब मन चाहे जर्मनी से फ्लाइट पकड़कर हरियाणा आ सकते हैं, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? ध्रुव राठी शायद ये भूल गए, लेकिन 1975 में इंडिया एक वक्त ऐसा भी देख चुका है जब देश सच में एक डिक्टेटर के हवाले था। उनके कहने पर कई मीडिया ऑफिसेस पर ताले लगाए गए, लोग अपने ही देश में गुलाम बनकर रहने को मजबूर हो गए और उनके पास बोलने तक का अधिकार नहीं बचा था। यहां तक कि इंडियन लीडर्स तक भी एक रूल को मानने पर मजबूर थे और वो था द इंदिरा गांधी रूल। ऐसे में अब आप खुद फैसला कीजिए कि देश में डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप। चलो एक बार को मान भी ले कि ध्रुव राठी किसी भी हिडन एजेंडा के साथ वीडियो नहीं बनाते और एक ट्रू कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करते, मगर सवाल ये भी उठता है साहब कि क्यों वो फिर बीजेपी टेन्योर में किए गए डेवलपमेंट पर बात नहीं करते? जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का जो इंपैक्ट पीएम मोदी ने बनाया है, इस बारे में क्यों आज तक उन्होंने ऑडियंस को एजुकेट नहीं किया है? इसके ऑपोजिट वो अपनी एक वीडियो में ये स्टेटमेंट तक देते आए हैं कि बीजेपी 2022 तक जो नंबर ऑफ हाईवेज और एयरपोर्ट्स को डबल कर रही है उसकी क्या सच में भारत को जरूरत भी है? आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। तब एक तरफ तो ये महाशय हर वीडियोस में चीख चीख कर डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बनने वाले डबल हाईवेज और एयरपोर्ट्स पर भी क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे में लगता है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, इनका ओपिनियन हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहने वाला है। अब आई एम श्योर ये सब केवल देशभक्ति के नाम पर तो वो नहीं कर सकते, इसमें उनका भी कोई ना कोई बेनिफिट जरूर है। तभी तो अपने 10 साल के करियर में वो हमेशा ऑपोजिशन के सगे बनते हुए नजर आए, और अगर ऐसा नहीं है तो इतने वक्त से वो कहां थे? बीजेपी के रूल में अगर चीजें इतनी ही गलत थी तो उन्होंने पहले भारत आकर लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले ही क्यों उनका ये अवतार देखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही किसी सरकार में कोई इश्यू आए हैं और कांग्रेस राज में सब कुछ परफेक्ट था? बल्कि हर सरकार में कुछ काम अच्छे होते हैं और कुछ गलत, और इसके लिए किसी भी सरकार पर डायरेक्ट डिक्टेटर का टैग लगाना ठीक नहीं है।
इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम तब आती है जब ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स फॉरेन कंट्रीज के चैनल को जाकर देश को लेकर अपना पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं और इससे देश की इमेज को नुकसान भी पहुंचता है। फ्रांस 24 टुडे चैनल पर भी ध्रुव राठी यही करते हुए नजर आए। आई फील इट मे बी बिकॉज द ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन कंप्लीटली हाईजैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल रियली वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड एंड देयर इज नो वॉइस कमिंग आउट ऑन द ट्रेडिशनल मीडिया एंड दे सी मी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट आई फील लाइक। यहां तो वो ये बोलने से भी पीछे नहीं रहे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिया को हाईजैक कर लिया। अब आप ही बताइए, दूसरे देश के चैनल्स में जाकर अपने देश के इश्यूज डिस्कस करना कितना सही है? क्या कभी आपने वेस्टर्न देश के यूट्यूबर्स को देखा है इंडियन मीडिया से उनके देशों की प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए? हाँ, अगर इंडिया में ऐसी पर्सनालिटीज की कमी नहीं है जो दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करे। अब इन लोगों को अंदाजा ही नहीं लगता कि केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते बोलते कब ये देश के खिलाफ बोलने लगते। इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अब ये फैसला आप करें कि ग्लोबल मीडिया में इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर का देश की चुगली करना कितना सही है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें।